है क्रिएटिव किचन। तो मैंने आज आपके लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड केक। तो कस्टर्ड केक के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप मिल्क, 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने यहाँ, टूटी फ्रूटी, और 1/2 कप हमने ले लिया है ऑयल। और इस पैन को मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर पहले हम ऑयल लगा देंगे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से मैदा छिड़क डाला है। साथ ही में हमें चाहिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उनसे मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मेजर करूँगी। इसके अंदर डाल दिया है मैंने नमक। हम ये कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई में डाल दिया है नमक और इसे मैं ढक दूंगी और इसे मैं प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। अब कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम हमारा बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। बाउल में मैं सबसे पहले डाल दूंगी मैदा, 1.5 कप मैदा, 1 कप शुगर, कस्टर्ड पाउडर 1/2 कप, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर हम अब डाल देंगे ऑयल और मिल्क। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हो कोई। इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल और ये 1 कप ऑफ मिल्क। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। बहुत ही इजी है कस्टर्ड केक बनाना। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुछ टूटी फ्रूटीज और इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम अपने पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अब हम ये पैन रख देंगे कढ़ाई में, जो हमने प्री हीट होने रख दी थी कढ़ाई। मैं स्लो फ्लेम पे इसे बेक होने रख दूंगी 1/2 आवर के लिए। 1/2 आवर के बाद हम ये चेक कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसे रख रहे हैं 1/2 आवर के बाद। अगर ये नहीं होता है तो हम और इसे एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट्स रख देंगे। हो चुका है, मैं चेक कर लेती हूँ। ये नाइफ से हम चेक कर लेंगे तो देखिए ये क्लीन निकल आया है। आधे घंटे में केक बेक हो चुका है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने नीचे कोई स्टैंड भी नहीं रखा था, कढ़ाई में हमने डायरेक्ट नमक ही रखा है। और इस तरह से केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये और बहुत कम समय में ये हुई है। हार्डली मुझे प्रिपरेशन करने के लिए 10 से 15 मिनट्स लगे हैं और बेक होने के लिए 1/2 आवर। केक बनके तैयार है। बहुत ही इजी केक है और बहुत ही कम समय में ये बेक हुआ है। आपको जिस तरह से इसे गार्निश करना है उस तरह से आप कर सकते हो। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अब इसी तरह से हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।